हेलो एवरीवन, यह है मेरा टीम सुन का ड्यूएल पर्पस टायर। आज मैं टायर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रहेगा सभी के लिए। यह टायर एकदम नया ही है तो मैं बताना चाहता हूँ कुछ। ये जो लिखा है 130, 70 और 17, ये होता है टायर का विड्थ। ओके, 130 होता है टायर का विड्थ, 130 मिलीमीटर, यह है मेरा टायर का विड्थ। और ये 70 जो लिखा है उसके बाद, 70 होता है 130 का 70%, वो है टायर का हाइट। 130 का 70% होता है 91 mm, तो वो 91 mm है मेरा टायर का, ये साइड वॉल का हाइट, ठीक है। और उसके बाद 17 जो लिखा है, 17 होता है कि रिम साइज और टायर का रेडियस, ठीक है। उसके बाद लिखा है एम सी, एम सी मीन्स मोटरसाइकिल टायर्स, एकदम नॉर्मल है, इजी है। और ये तो रोटेशन का सिंबल है कि टायर किधर घूमेगा, ये लगाने के टाइम में देख लेना चाहिए। और ये जो है डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, ये DOT जो लिखा है, डेट ऑफ टायर, ये मेरा टायर का है 1219, मतलब ये जो चार नंबर है इसका पहले का दो है टायर का जिस साल में हुआ है उसका वीक, तो ये 12th वीक में मेरा टायर मैन्युफैक्चर हुआ था 2019 में, ठीक है। पहले का दो है वीक और उसके बाद का दो है यार, याद रखना। उसके बाद उस साइड में आ जाते हैं, नहीं ये है मेरा टायर का मॉडल नंबर, देख लीजिए। उसके बाद इस साइड में है, ये 62H, 62, ये जो तीन जो लिखा है ये पहले का दो है लोड इंडेक्स। 62 लोड इंडेक्स का मतलब होता है 265 kgs, ये मेरा टायर प्रेशर ले सकता है, ठीक है। और एज, एज जो होता है एज W और जो भी है, ये होता है स्पीड रेटिंग, वो एज मतलब 210 किलोमीटर पर आवर। मेरा टायर तो ट्यूबलेस है उसके बाद में लिखा हुआ है। तो ये जो है, ये है 62H, ये पहले का दो है लोड और उसके बाद का है स्पीड, याद रखना यार। ये जो डॉट है ये पार्ट होता है टायर का सबसे लाइट पार्ट, इसको बैठना चाहिए एकदम ये वाल्व के ऊपर, वाल्व के सीधा बैठना चाहिए ये लाइट पार्ट, ये डॉट, तो टायर का बैलेंस एकदम सही रहता है, ये एकदम याद रखना लगाने के टाइम में।